नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार में विशेष सर्वे चल रहा है और इसके उपरांत बहुत सारे किसानों का बहुत सारा प्रश्न उत्तर है कि प्रश्न यह है कि आपका जमीन आप ही के पास कैसे रहेगा। कोई कागज नहीं है, इसका भी कोई अथी नहीं है कि आप ही का जमीन आप ही के पास रहेगा, नहीं कोई कागज है इसके बारे में। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग विशेष प्रश्न उत्तर के तहत और इसमें हम सारे सवालों का हल आपको देते चलेंगे। इसमें हमने आज विषय रखा है विशेष भूमि सर्वे संबंधित प्रश्न उत्तर, यह आपका जमीन आप ही के पास कैसे रहेगा, सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसमें आपको डरने की बात नहीं, यह सर्वे कराना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद यह सर्वे हो रहा है। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला है कि बदलेन की ज़मीन है तथा शांतिपूर्ण दखल है तो खाता दर्ज हुआ कि नहीं। यानी आप मान लीजिए चार भाई का फरीक है या पांच भाई का फरीक है और आप लोग जो है सो आपसी बंटवारा करके आप क्या किए कि मान लीजिए सपोज डैट कि अगर एक जगह यहाँ पर रहा सारा भाई, इसमें बहुत कंजेस्ट हो गया कि इसमें आप हम लोग नहीं रह सकते हैं, तो कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है। तो मान लीजिए इस प्लॉट में अगर मान लीजिए एक भाई का है, अगर मान लीजिए आपके इधर से है, अगर मान लीजिए इसमें ये भाई मान लीजिए कि ए बी सी और डी, ये चारों भाई हैं, अब एक यहाँ चले आए कि यहाँ एक यहीं रह गया, अब इसमें भी इसका हिस्सा है, तो यह हिस्सा आप कैसे इसको अपने खाता पर दर्ज करवा सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो भी आप बदलन किए हैं उस बदलन का निबंधन जो है रजिस्ट्री ऑफिस से हो जाना चाहिए। वही रजिस्ट्री ऑफिस से किया हुआ निबंधन ही खाता दर्ज में मान होगा अथवा दखल जो है सो अवैध माना जाएगा। यानी दखल जो है इस ज़मीन का पट्टा अगर अपने चारों भाई के नाम से नहीं लिखवा करके चढ़वाया है तो ये आपका जो है सो पट्टा अवैध माना जाएगा और आपका ही ज़मीन आप ही के पास रहेगा, लेकिन जो बदलन किया हुआ ज़मीन है वो मान नहीं होगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि इनका हिस्सा भी हम यहाँ पर काबिज कर लें तो आपको जो है सो बदलन ज़मीन का निबंधन करवाना होगा। निबंधन करवा लीजिएगा तो सबका जो है सो बदलन ज़मीन आपका अपना अपना सही ढंग से सुचारू हो जाएगा। और यह विशेष सर्वे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका ज़मीन आप ही के पास रहे और किसी भी कागज़ की त्रुटि न हो, जो हो सही ढंग से हो। CSRRF सर्वे में नदी था पर अब मकान या जोत की ज़मीन में है, मतलब पूर्व में जो CSRRF सर्वे हुआ था उसमें नदी थी पर अभी जो है सो उस पर मकान या जोत की ज़मीन है तो उस पर क्या होगा। तो वह जो है सो गैरमजरुआ आम का ज़मीन होता है यानी सरकारी ज़मीन होता है और उस पर किसी प्रकार का वैध कब्जा नहीं माना जाएगा। यह सरकार सती यह ज़मीन जो है से किसी प्रकार से जो है सो आम रैयत के कब्जा में नहीं आएगा, यह सरकार की ज़मीन है, सरकारी से अपना ले लेगी। यदि किसी ज़मींदार यानी रैयत का खतिया नहीं हो, केवाला नहीं हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, वो सारा उसका हल है। इसका हल जो बताया गया है वो सुन लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन का खतियान या नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, उस ज़मीन में आपका कब्जा होगा, उस कब्जा में आपका खाता खेसरा जरूर होगा। उस खाता खेसरा नंबर को चढ़ा के आपको ऑनलाइन जमा कर देना होगा और आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन के चारों तरफ जो भी किसान होंगे उनको यह साक्ष्य देना होगा कि अमुक व्यक्ति का जो ज़मीन कब्जा में है वह वास्तविक रूप में बहुत दिनों से उनके पास कब्जा में है। और इसके साक्ष्य के रूप में 5 या 10 व्यक्ति बनेंगे, उसमें आपके ग्राम के मुखिया और सरपंच साक्षकर्ता होंगे जो आपके ज़मीन को साक्षकर्ता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात कि सरकार ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लिए 3 चांस दिए हैं, आप उस 3 चांस में अपने अंचल के अंचलाधिकारी कानूनगो या फिर जिला में जाके इस खाता खेसरा नंबर से अपने खतियान का जो है सुनकर ला सकते हैं। तो ये ज़मीन आप ही का रहेगा, हर बनाने की कोई बात नहीं है, हम आपको इसके सारे सवालों का जवाब देते जाएंगे। पर कहाँ कहाँ जाते चल रहे हैं आपको गैरमजरुआ आम मतलब सरकारी भूमि, तो इस विशेष सर्वे में ये भी है कि सरकार का जो अपना ज़मीन है वो विशेष कब्जा में लेना। तो कब्जा में क्या हुआ कि पूर्व में जो गैरमजरुआ आम था जो पड़ा हुआ था जैसे कि नदी हुई उसमें मिट्टीकरण कर के मकान उकान बना लिए, अपना जो भी करना था कर लिए, तो सरकार इस ज़मीन पर
विशेष कब्जा दाखिल करेगा और इसे जो है से किसान को वैध कब्जा नहीं दिया जाएगा, सरकार इसके अपने अंदर में ले लेगी। तो इसके बारे में भी देख लेना है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। यह जो है सो किसान का अवैध कब्जा माना जाएगा। अगर कोई इसका रसीद भी अवैध रूप से कटा के दिखा रहे हैं तो भी माना। गैरमजरुआ खास की बात करेंगे तो गैरमजरुआ खास में है, जैसे कि मान लीजिए उन रैयत का नाम है और हुकूमतनामा जो है 1946 के पूर्व का है और उस पर सरकारी लगान लगता है, तो उसे जो है सो खानापुरी में दर्ज किया जाएगा, उसका विशेष सर्वे में दर्ज होगा, उसके नाम से खाता दर्ज किया जाएगा। तो यह विशेष जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे और अधिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को जो है सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।